सागर, सूर्य और चंद्रमा की तरह चंचल, चमकती और मदहोश कर देने वाली मतवाली प्रेम कहानी है चंद्रकांता, एक इंतकामी दहकती प्रेम कहानी है चंद्रकांता, सुलगती हैरत अंगेज प्रेम कहानी है ये चंद्रकांता। और कौन रोक सकता है नकली शव्या के इंतकामी साजिशी जुनून को, जिसकी वजह से वो कत्ल करने आई है अपनी हमशक्ल सुदूस को। ये अधिकार किसने दिया तुम्हें? इससे पहले कि ये मेरा कत्ल करके मैं इसकी असलियत बयां करना चाहती हूँ। तभी एक अजनबी नकाबपोश का पार सभ्या की जबान को कर देता है खामोश। सभ्या, लेकिन जांबाज को सवाल का जवाब मिल जाता है जब सोमनाथ अपनी असली शक्ल इख्तियार करता है। जांबाज पर तब यह हो जाता है जाहिर कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे एक जालसाजी का मकसद है और सौदा है तिलिस्म का राज। अचानक राजकुमार दाखिल हुआ गिरफ्तार जांबाज के खेमे में। जांबाज कुमार। जांबाज मेरे दोस्त। मौजूद खतरे को रखकर मद्देनजर जांबाज ने तिलिस्म के राज की धरोहर को राजकुमार के हवाले कर देने का किया ये फैसला। आप ध्यान से मुझसे तिलिस्म का राज सुनिए कुमार। तिलिस्म की ओर जाने के चार रास्ते हैं कुमार। लेकिन ये एक जालसाजी का रास्ता था। बहुपिये राजकुमार के जरिए ये राज पहुंच गया बदकिस्मती से क्रूर सिंह के पास, और फिर महाराज शिवदत्त से इजाजत हासिल करके क्रूर सिंह बढ़ा राजकुमार और जांबाज के बीच खड़ी करने दुश्मनी की दीवार। अचानक उसे मिला जरिया। रुस्तम के कानों तक क्रूर सिंह ने पहुंचाई एक साजिशी खबर, यानी कि कुंवर वीरेंद्र सिंह के भेष में एक सिपा सलार जो मुझ पर वार करेगा। और फिर क्रूर सिंह ने वैसा ही फरेबी पांसा फेंका राजकुमार वीरेंद्र सिंह की तरफ। कुंवर जांबाज पे वार करे या न करे, लेकिन हमारा जांबाज कुंवर पे वार जरूर करेगा। तेरी इस खबर ने मेरे हाथों में वो हथियार दे दिया है जिसके जोर पर मैं तेरे मंसूबों को तेरी नाकामयाबी में बदल दूंगा। और फिर महाराजा शिवदत्त के हुक्म के मुताबिक आज आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक अनोखा खेल खेला जाएगा। इस खेल का नाम है मृत्यु युद्ध। इस खेल के खिलाड़ी हैं हमारे चुनारगढ़ के वो दो दुश्मन जिनके लहू से चुनारगढ़ का हर सैनिक अपनी अपनी तलवार रंगना चाहता है। एक तरफ है नौगढ़ का बुजदिल वीरेंद्र विक्रम सिंह और दूसरी तरफ है सुमेधा का कायर सिपाही जांबाज। मुझको चुनौती देने वाले गद्दार, तुम ये नहीं जानते कि ये युद्ध नहीं तुम्हारी मौत का दावतनामा है जिस पर तुम अपने ही खून से दस्तखत करोगे। चेहरा तो दोस्ती का है लेकिन जबान दुश्मनों की।
चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। चंद्रकांता से करता था प्यार। शिवदत्त के महल पहुंचने से पहले सबिया का फैसला हो ही जाना चाहिए। वैसे मुझे यकीन है कि बाबा पुष्करनाथ अपने बेटे जगन्नाथ की कोई भी ख्वाहिश मंजूर नहीं करेंगे। अपने बेटे जगन्नाथ की कोई ख्वाहिश मंजूर नहीं करेंगे? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, उनकी रग रग को पहचानती हूँ। बाबा पुष्करनाथ और पंडित जगन्नाथ के बीच की तकरार कयामत तक बरकरार रहेगी। तो तुम्हारा ये कहना है कि पंडित जगन्नाथ और महारानी कलावती वहां से निराश लौटेंगे? हाँ, और बाबा पुष्करनाथ की नामंजूरी में ही है मेरी जिंदगी और सभ्या की मौत। ये सत्य तो पंडित जगन्नाथ भी जानते हैं, लेकिन अम्बा, पंडित जगन्नाथ की दृढ़ता और जिद का अंदाजा मुझे तुमसे ज्यादा है। अगर वो एक बार कोई बात ठान लेते हैं तो उसे करके ही मानते हैं। और रही महारानी कलावती, तो उन्हें तो लोगों के जज्बातों से खेलना बहुत आता है। इसलिए जब तक बाबा पुष्करनाथ उनकी बात नहीं मान लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। तुम पंडित जगन्नाथ को जानती हो और मैं जानती हूँ बाबा पुष्करनाथ को। आज देखते हैं किसकी जीत होती है, बाबा पुष्करनाथ के आदर्शों की या पंडित जगन्नाथ के उसूलों की। किसके आदर्शों की जीत होती है और कौन हारता है, ये बात मेरे लिए अभी बिल्कुल अहमियत नहीं रखती। जो बात अहम है वो ये कि सभ्या की मौत होनी चाहिए, क्योंकि अगर सभ्या नहीं मरेगी तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। नहीं तारा, बात वहीं जाकर खत्म हो जानी चाहिए कि बाबा पुष्करनाथ सभ्या की शक्ल तक देखने से इनकार कर दें। सभ्या की मौत हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। सभ्या और मैं हम शक्ल हैं। अगर बाबा पुष्करनाथ ने उसे देख लिया तो वो उसे अंबा समझ बैठेंगे, और बाबा पुष्करनाथ मेरे चेहरे को अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मैं एक विषकन्या हूँ। वही बात कैसे जानते हैं कि तुम एक विषकन्या हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, बल्लमगढ़ राज्य के बाबा पुष्करनाथ के पास ही वो इल्म है जिससे कन्याओं को विषकन्या में तब्दील किया जा सकता है। और ये अंबा एक साधारण कन्या से विषकन्या बाबा पुष्करनाथ की वजह से ही तब्दील हुई थी। वो मुझे पहचानने में कैसे भूल कर सकते हैं? वो उसे पहचान ही लेंगे। आखिर तुम आई गए, मैं जानता था एक न एक दिन तुम जरूर आओगे मेरे पास जगन्नाथ। आज भी अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी आपके पास नहीं आता, कभी नहीं। लेकिन एक भले काम के लिए विवश होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है आज। भला काम? ये भला काम ही तो हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बनकर आन खड़ा हुआ है। यही तो फर्क है आप में और मुझ में पिताश्री। आपके लिए भलाई का अर्थ कुछ और है, मेरे लिए भलाई का अर्थ कुछ और। आपके जीवन का आदर्श है दूसरों के शरीर में जहर भरना, और मेरे लिए जीवन का आदर्श है जहां कहीं भी जिस रूप में भी जहर हो उसे हमेशा के लिए मिटा देना। आपने न जाने कितनी स्त्रियों को अपनी विद्या से विषकन्या बनाकर उन्हें जहरीला बनाया है। उन्हें जहरीला और हत्यारा बनाकर आपने उनका इस्तेमाल किया है। कितने ही राजाओं महाराजाओं और राज्यों को यूं पराजित किया है आपने, मुझे सोचकर घृणा होती है। पिताश्री, युद्ध करना कितना भी आवश्यक हो लेकिन विषकन्या के आचर के पीछे शुक्रवार नहीं किया जाता, वार किया जाता है। बाहुबल से युद्ध जीते जाते हैं वीरता और बहादुरी से। जब हमारा तुम्हारा रास्ता ही अलग अलग है तो फिर आए क्यों यहाँ? पिताश्री, आज भी मैं अपने आदर्शों और उसूलों से लाचार होकर आपके पास आया हूँ। मैंने इस कन्या की जिंदगी को हर कीमत पर बचाने का संकल्प किया है पिताश्री, और केवल आपके पास वो हुनर है जिससे इससे मौत के पंजों से बचाया जा सकता है। अगर हम लोग वाद विवाद यूं ही समय नष्ट करते रहे तो जहर मुझे तीर का असर इसके शरीर में इतनी बुरी तरह फैल जाएगा कि इसका बचना नामुमकिन हो जाएगा।
मेरी आपसे विनती है कि आप इसे बचा लें। ये तुम्हारे साथ कौन आई हैं? ये महारानी है, महारानी कलावती, नेकी का प्रतीक, दया का जीता जागता स्वरूप। इनसे किसी का दुख नहीं देखा जाता पिताश्री। ये यहाँ पर इसलिए आई है ताकि मौत के आगोश में सोई इस कन्या को आप बचा ले। हाँ बाबा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ आपसे विनती करने। बचा लीजिए इसे, हमें निराश न कीजिए। नहीं, वो असूल, वो आदर्श जो मेरे और इसके बीच में हुए हैं, वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं इसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। धिक्कार है पिताश्री, धिक्कार है आपके आदर्शों और उसूलों पर, जो एक आदमी की जान की कीमत की कद करना नहीं जानते, धिक्कार है। बाबा, आपको अपनी हर भलाई, हर भावना का वास्ता, बचा लीजिए इसे, हमें निराश न कीजिए। महारानी, इनसे किसी भी किस्म की भलाई या अच्छाई की उम्मीद करना बेकार है। सभ्या को उसके हाथ में छोड़ दीजिए महारानी, आइए। बाबा, ये संसार, ये सृष्टि दया पर ही तो टिकी हुई है। अगर धरती माता अपने पेट से अनाज न उगाती तो कहा जाते हम और आप, अगर मेघ जल न बरसाते तो क्या हाल होता हमारा सूरज की तपिश से। दया करने वाला और लेने वाला दोनों ही महान होते हैं बाबा। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती थी। ठहरो, 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 ठहरो। मैं इसे जानता हूँ, ये तो अंबा है। नहीं, ये सभ्या है, उसकी हमशक्ल, महारानी की मुंह बोली बहन। महारानी की मुंह बोली बहन? जी हाँ। महारानी जी, जी इनके उपचार के लिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इन्हें यहाँ छोड़ जाइए। आप जैसा उचित समझे बाबा। सभ्या के उपचार का प्रबंध तो हो गया जी महारानी। लेकिन ये किस अंबा के बारे में बात कर रहे थे? महारानी, इसी कश्मकश में मैं भी पड़ा हूँ। यकीनन ये कोई बहुत बड़ी साजिश है और हमें ये पता लगाना है कि असली सभ्या कौन है। लेकिन कैसे? हमें इन दोनों से कुछ ऐसे सवाल करने चाहिए जिनका जवाब सिर्फ असली सभ्या को मालूम। ठीक है पंडित जी, हमें महाराज को फौरन इत्तला करनी होगी। तुम तो
इसकी मौत से इसकी हर माफी चाहता हूँ कुंवर, मैंने धोखे में आकर आप पर हमला किया। कुंवर, धोखे में तो क्रूर सिंह ने रखा है हम अब हमें इन्हीं की चाली नहीं बचलनी होगी। तुम अपना एक खेल जारी रखो जाबाज, ताकि इन्हें शक न हो कि हमने एक दूसरे को पहचाना। इन दोनों को खुद शिवता की सोचता है सिपाही आओ कुमार, ये नहीं छुप जाते। कुमार, यह आपकी शक्ल में घुड़सवार कौन है?